किसी के मर्डर की सुपारी देने की बात आपने फिल्मों में देखी होगी, ऐसी खबरें भी आती ही रहती हैं। लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा में एक आदमी ने अपने ही मर्डर की सुपारी दे दी। इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक पिछले हफ्ते भीलवाड़ा के गांव मांगरोप में बलबीर नाम के आदमी की लाश मिली। उसके हाथ पैर बिजली के तार से बंधे हुए थे और उसका गला घोंट दिया गया था। लेकिन अब पुलिस ये कह रही है कि उसने अपना मर्डर खुद प्लान किया था। कथित रूप से उसने ये मर्डर इसलिए प्लान किया ताकि उसके नाम पर जो 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस था वो उसके परिवार को मिल जाए। खबर के मुताबिक उसने दो लोगों को 80,000 रुपए की सुपारी दी। यूपी के रहने वाले सुनील यादव से उसने कॉन्टैक्ट किया। सुनील ने एक और व्यक्ति की मदद ली, उस व्यक्ति का नाम राजवीर बताया जा रहा है। दोनों ने मिलकर बलबीर की हत्या की। हत्या के दो दिन पहले बलबीर जो था वो कथित रूप से सुनील को उस जगह पर भी ले गया था जहां पर वो अपनी हत्या करवाना चाहता था, यानी जो क्राइम सीन था वहां पर वो उसे लेकर गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि बलबीर ने लोगों से 20 लाख रुपए उधार लिए थे और उसमें से काफी पैसा जो था वो भारी ब्याज पर दूसरे लोगों को कर्ज दे दिया था। लेकिन पिछले 6-1 महीनों से उसे मूलधन पर कोई ब्याज नहीं मिला था। इस वजह से उसकी माली हालत खस्ता हो गई थी, खर्चे मुश्किल पड़ रहे थे। इस वजह से उसने अपने नाम पर 50 लाख रुपए का बीमा करवाया, लाइफ इंश्योरेंस, और उसका 8,43,200 रुपये यानी 8,43,200 रुपीज का प्रीमियम भी भरा। उसके बाद उसने अपने मर्डर का प्लान बनाया ताकि उसके परिवार को बीमे का पैसा मिल सके। वो नहीं चाहता था कि जो तगादेदार हैं वो उसके परिवार को परेशान करें, लेकिन उसके परिवार ने ऐसे किसी भी प्लान की जानकारी होने से मना किया है। इस मामले से जुड़ी जो भी अगर कोई अपडेट आती है वो हम आप तक पहुंचाते रहें। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज दी लल्लन टॉप को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे हमारे सारे वीडियो सीधे आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।